पाकिस्तानी न्यूज चैनल डॉन अचानक थी हैक। जानकारी मुजब डॉन चैनल चालू करता स्क्रीन पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जोवा मळ्यो अने एटलुं ज नहीं स्क्रीन पर हैप्पी इंडिपेन्डन्स डे पर लखेलुं आव्युं। पाकिस्तानी टीवी चैनल डॉन पर आ बधुं त्यारे थयुं ज्यारे चैनल में कोई जाहेरात में चाली रही थी त्यारे अचानक स्क्रीन पर मोटा अक्षरों में हैप्पी इंडिपेन्डन्स डे लखेलुं आव्युं। आ चैनल हैक कोणे करी छे तेनी हाल कोई पुष्टि नथी थई। आ घटनाना फोटा अने वीडियो सोशियल मीडिया में वायरल थया। पाकिस्तानी सेना नो जुस्सो वधारवाना इमरान सरकारना प्रयास। एलओसी पर भारत अने पाकिस्तान वच्चे तनाव चाली रह्यो छे त्यारे पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवाए एलओसी नी मुलाकात लीधी। बाजवाए सरहद पर सेनाना उच्च अधिकारियों साथे मुलाकात करी। एलओसी पर सैनिकों साथेनी मुलाकात दरमियान बाजवाए सैनिकों ने दरेक पड़कार माटे तैयार रहेवा सूचन कर्युं। साथे ज तेमणे काश्मीर नो उल्लेख करता कह्युं के पाकिस्तान काश्मीरीओनु समर्थन करवानुं चालू राखशे। जम्मू काश्मीर में कलम 370 ने हटाया ने एक वर्ष पूर्ण थवाना विरोध में पाकिस्ताने कर्यु ऐलान। 5 ऑगस्ट ना रोज पाकिस्ताने वैश्विक शोक की उजवनी करवानी जाहेरात करी। पाकिस्तानना विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी इस्लामाबाद ना कथित कश्मीर हाईवे नु नाम बदली श्रीनगर हाईवे करवानी जाहेरात करी। आतंकवाद नु पालन पोषण करनारा पाकिस्तानी सीनेट ने एफटीएफ ना दबाण सामे नमवानी फरज पड़ी। सीनेटे एफटीएफ मा तरफ थी नक्की करवामा आवेली कड़क शरतों संबंधी बे बिल सर्वसंमति थी पसार करवामा आव्या। जो के सीनेट मा विपक्षे बिल नो विरोध कर्यो होवा छतां बिल पसार करवामा आव्या। आ दरमियान पाकिस्तानना विदेश मंत्रीए भारत विरोधी निवेदन आपता कह्युं बिल पसार थवाथी भारतना इरादा पर पाणी फरी वळ्युं। नेपाळनी सेनाए सरकार पासे मांगी मोटा कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में रोकाण करवानी मंजूरी। नेपाळनी सेनाए हालनी आर्मी एक्ट में बदलावनो ड्राफ्ट पण सरकार समक्ष रजू कर्यो। हकीकत में नेपाळनी सेना नफो कमावा माटे घणा वर्षोथी बिजनेस में दखल करवाना प्रयास करी रही छे, परंतु हालना आर्मी एक्टना कारणे ते संभव नथी। जो सरकार तरफथी ड्राफ्टनी मंजूरी मळशे तो सेना हाइड्रो पावर जेवा मोटा प्रोजेक्ट में रोकाण करी शकशे। एक बाजू ज्यां भारत अने चीन वच्चे तनाव चाली रह्यो छे त्यां बीजी बाजू नेपाळ विवाद वधारवानुं षड्यंत्र रची रह्युं छे। नेपाळ सरकार पोतानो सुधारेलो नक्शो यूएन गूगल भारत अने अन्य आंतरराष्ट्रीय समुदायने मोकलवानी तैयारीमां छे। नेपाळमां राजकीय धमासण हजू पण चालू। नेपाळना प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अने विपक्ष नेता प्रचंड वच्चे योजाशे बैठक। गईकाले पण बंने नेताओ वच्चे 3 कलाक जेटली लांबी बैठक चाली हती। जो के विपक्ष नेता हजू पण ओलीना राजीनामानी मांग करी रह्या छे। रक्षाबंधनना पर्व पर देशमां चाल्यु स्वदेशी राखड़ी अभियान। के अनुसार दर वर्षे रक्षाबंधन पर अंदाजे 6,000 करोड़ व्यापार थाय छे, जेमां चीननुं योगदान 4,000 करोड़ होय छे। परंतु आ वर्षे लोकोए चाइनीज वस्तुनी साथे साथे चाइनीज राखड़ीनो पण बहिष्कार कर्यो। बजारमां चाइनीज राखड़ीनुं वेचाण प्रमाणमां ओछुं होवाथी आ वर्षे चीनने करोड़ोनुं नुकसान वेठवानो વારો આવ્યો। भारत चीन एलएसी पर सतत माहौल गरम थई रह्यो छे त्यारे फरी एक बार सेटेलाइट इमेजिस सामे आवी छे, जेमां जाणवा मळ्युं छे कि चीनमां पीपल्स लिबरेशन आर्मीए लद्दाख पासेना काशगर एरबेस पर रणनैतिक बॉम्बर तैनात कर्या छे। एक बाजू ज्यारे चीन एलएसी पर भारत साथे शांति अने स्थिर कायम राखवानो दावो कर्यो, तो बीजी तरफ चीनी सेना सामे पर सतत पोतानी ताकातमां वधारो करी रही छे। सिंगापोर में सौथी प्राचीन हिंदू मंदिर मुख्य पुजारी की धरपकड़ कर पुजारी की धरपकड़ विश्वास भंग आरोपसर कर पुजारी की कस्टडी में रहे केटलाक सोना आभूषणों गुम थे होवा बाद श्री मरियम मंदिरे पुलिस फरियाद नोधाई। अमेरिकाना कैलिफोर्निया में लगभग 12,000 एकर विस्तार में भीषण आग लागी, जेना कारणे रिवरसाइड काउंटी में 8,000 स्थलांतर कर। अगाउ आग की शुरुआत लॉस एंजलिस 75 मील पूर्व में चेरी वेली में थी थी। कैलिफोर्निया की आग ने स्थानिक एप्पल फायर कहे छे। अमेरिका अने चीन वच्चे शीत युद्ध जेवी स्थिति चाली रही छे अने तेनी असर पण टिकटॉक पर पड़ती जोवा मळी। अमेरिकी राष्ट्रपतिए संकेत आप्यो कि टूंक समय में अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगावी शकाय छे, परंतु हवे टिकटॉक पर प्रतिबंध मुकवानी विचारणा मुलतवी रखाय तेवी शक्यता। सूत्रों पासेथी मळती माहिती मुजब माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक खरीदी करी शके छे, एवामां अमेरिका तरफथी टिकटॉक ने 45 दिवसनो समय मळ्यो। आ दरमियान जो सौदो थशे तो अमेरिका पोताना निर्णय पर विचारणा करशे। विश्वविख्यात एप्पल कंपनीए
ચીનમાં પોતાને એપ સ્ટોરમાંથી ટિકટોકને હટાવી છે. એપલ કંપનીએ ગેમ ડેવલપરને ટિકટોકના યોગ્ય લાયસન્સ મેળવવા આદેશ કર્યા છે. અગાઉ ભારત સહિતના દેશોમાં ટિકટોકને બેન કરવામાં આવી હતી. અમેરિકામાં પણ ટિકટોક પર બેન લગાવવાની તૈયારી છે. ત્યારે હવે યુઝર્સના ડેટા સાથે ચેડા ન થાય તે માટે એપલ કંપનીનો આ પહેલ છે.